नमस्ते, मैं अर्चना आरते आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक स्वीट रेसिपी बताने वाली हूँ, उसका नाम है साबूदाने की खीर। ये हम उपवास के दिन खा सकते हैं और कोई भी त्यौहार हो तो भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं इसे। तो चलो शुरुआत करते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए लगने वाली सामग्री है, आधा लीटर दूध लिया है, शक्कर आपको जितना स्वीट चाहिए उतना, मैंने यहाँ पे लिया है 5-6 टेबलस्पून शुगर, चीनी, बड़े वाले साबूदाने लिए हैं नायलॉन साबूदाने 3 टेबलस्पून, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून किशमिश, बादाम कटे हुए और बादाम और काजू की पाउडर है 2 टेबलस्पून। तो चलो शुरुआत करते हैं, गैस शुरू कर देते हैं। यहाँ मैंने जो आधा लीटर दूध लिया है वो हम इसमें डाल के पहले उबाल लेते हैं। यहाँ पर एक टिप है, दूध गर्म होने के बाद ही उसमें चीनी डालना है, नहीं तो फिर दूध फट जाता है। अच्छी तरह से दूध उबल चुका है, अब इसमें डालते हैं हम 5-6 टेबलस्पून शुगर। उसके बाद यहाँ पर मैंने बादाम और काजू की पाउडर करके ली है, वो डाल देते हैं 3 टेबलस्पून, किशमिश 1 टीस्पून, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, और यहाँ पे मैंने ये साबूदाना लिया है सैगो, इसको भिगो के रखा था 4-5 घंटे तक, तो इसको हम डाल देते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से उबलने देना है, कम से कम 15 मिनट लगेंगे ये खीर बनने के लिए, और थोड़े से बादाम कटे हुए वो भी डाल देते हैं और ऊपर से डेकोरेशन के लिए थोड़ा रख देते हैं। अब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे उबलने देना है, साबूदाने को अच्छी तरह से पकने देना है, तब तक के लिए 15 मिनट तक राह देखनी है। हम जब भी खीर बनाते हैं, नहीं तो बासुंदी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूध को अच्छी तरह से उबाल के लेते हैं। लेकिन अगर आपने वो जो काजू और बादाम की पाउडर डाली है तो उससे क्या हो जाता है कि वो अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाता है, तो उतना मिल्क पतला नहीं रहेगा, अच्छी तरह से खीर गाढ़ी हो जाएगी। और अभी देखो साबूदाना पक गया है, कैसा मालूम पड़ता है कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखो अच्छी तरह से फूल गया है और ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अपनी खीर रेडी है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमने बाउल में खीर भर दी है पूरी तरह से, और उसके ऊपर हम गार्निश करेंगे बादाम से। गर्मा गर्म साबूदाना खीर तैयार है, आप इसे बनाइए और हमें कमेंट्स में कहिए। आज की रेसिपी है, स्वीट डिश है सेवियों की खीर। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक सेव ली है, देसी घी है 1 टेबलस्पून, किशमिश है 1 टेबलस्पून, 2 पिंच केसर, बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता, आधा टीस्पून इलायची पाउडर, शक्कर स्वादानुसार लेंगे और 1/2 लीटर दूध। शुरुआत करते हैं, घी लेना है, देसी घी लिया यहाँ पर, इसे पिघलने देना है। अब इसमें लेते हैं सेव डालेंगे हम और सेव को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें जाएगी किशमिश, उसे भी अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसमें दूध डाल देते हैं। अब इस पे जाएगी आधा टीस्पून इलायची पाउडर, 2 पिंच केसर, बारीक कटा हुआ बादाम और पिस्ता, चीनी 4-5 टेबलस्पून, और अभी इसे अच्छी तरह से उबाल आने देना है।
तब तक हमें राह देखनी है। उबाला आ चुका है, खीर हो चुकी है, हम अभी बंद कर देते हैं। कंसिस्टेंसी एकदम ओके है क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी और ज़्यादा पतली नहीं है, बीच वाली कंसिस्टेंसी है। देखो अच्छी तरह से हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म खीर और उसके साथ गर्मा गर्म पूरियाँ, क्या बात है। तो आप ये कीजिए और हमें कमेंट्स में कहिए। फ्रेंड्स, आज हम मैंगो पायसम बनाएंगे। यह गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप चिल्ड सर्व करें। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आधा लीटर दूध, 2 टेबलस्पून बासमती चावल, 1/3 कप शुगर, 1/3 कप मैंगो प्यूरे, पिस्ता और बादाम की कतरन। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है ताकि हमारे जो पायसम है वो बहुत ही बढ़िया रिच और क्रीमी बने। दूध अच्छे से उबल चुका है, अब हम इसमें यहाँ पर चावल डाल देंगे। चावल को मैंने पहले से ही धो के करीब 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। खीर को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूस हिलाते हुए पकाएंगे जब तक कि चावल अच्छे से पक ना जाए और ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है और ये काफ़ी थिक हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद में हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे और कंटिन्यूस हिलाएंगे ताकि चीनी नीचे से जले ना। चीनी भी इसमें अच्छे से घुल चुकी है, अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। उसी के बाद हम इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। पारा पायसम काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसके अंदर हम मैंगो पल्प डालेंगे, साथ ही में कटे हुए बादाम और पिस्ता कतरन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये मैंगो पायसम तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हम इसे कटे हुए आम, पिस्ता कतरन और बादाम से गार्निश करके सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से मैंगो पायसम बना लिया है। इसे आप चिल्ड सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मखाना खीर जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है। तो देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए इस खीर के लिए। मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम मखानों को रोस्ट करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच घी कढ़ाई में डालें और मखानों को डालकर रोस्ट कर लेंगे। हमें मखानों को स्लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है और ये अच्छे से रोस्ट भी हो गए हैं। अब हम गैस को बंद करेंगे और उन्हें एक प्लेट पर निकाल के ठंडा कर लेंगे। मखाने अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, हम इन्हें किसी कपड़े में या प्लास्टिक की थैली में डाल के पीलन से क्रश करेंगे। इस तरह से हम बेलन से इन्हें अच्छे से क्रश कर लेंगे। अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और एक कढ़ाई में दूध लेके उसे गर्म करेंगे। अब हम इस दूध को हाई फ्लेम पे अच्छे से उबाल लेंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे ताकि हमारी खीर एकदम क्रीमी बने। बीच बीच में आप इसे हिलाते रहें, कंटिन्यूस हिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और कम भी हो गया है, आप देख सकते हैं।
अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें मखाने डाल देंगे। और साथ ही में केसर के धागे भी डाल देंगे। केसर के धागे पहले से डालने से ये बहुत ही अच्छा कलर देते हैं। मखाने डालने के बाद में हम दूध को करीब 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे ये खीर हमारी एकदम गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद में दूध और भी गाढ़ा होता है, तो इस स्टेज पर आकर हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद में हम इसे हाई फ्लेम पर चीनी के घुलने तक पकाएंगे। मखाने की खीर बन चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इलायची का पाउडर। गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी मखाने की खीर बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, टेस्टी और हेल्दी मखाना खीर बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें।